गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी मसाला खिचड़ी की रेसिपी, गुजराती स्टाइल मसाला खिचड़ी की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को काट लिया है, 4 आलू लिया है इस तरीके से, और धनिया पत्ता और एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च और दाल और चावल लिया है। और तेल कुकर में मैंने तेल डाला, उसके बाद जीरा तेजपत्ता डाल के प्याज हरी मिर्च लहसुन ये सब डाल दिया। और मसाले मैंने हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्ची पाउडर लिया। उसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद नमक डाल देंगे। इन सभी को बढ़िया से भून लेंगे हम। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चना का दाल लिया है थोड़ा सा, 1/2 कटोरी के बराबर ये डाल देंगे। और 1/2 कटोरी चावल भी लिया है। इन सभी को दाल के 2 मिनट तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अगर आप गाढ़ी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो 3 कटोरी पानी डालें, और गीली खाना पसंद करते हैं तो 4 कटोरी डालें। लास्ट में मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। उसके बाद फ्रेश धनिया की हरी पत्ती डाल के आलू ऊपर से डाल देंगे इसमें। और कुकर का ढक्कन लगा करके इसे हम 2 सीटी 3 सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सीटी लग चुकी है कुकर। और अब मैं इसमें तड़का डाल रही हूँ, मिर्ची और जीरा का तड़का डाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं मसाला खिचड़ी हमारा बनके तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, ज़रूर एक बार एक ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो मैंने यहाँ पर हरे धनिया की पत्ती से फिर से इसमें गार्निश कर लिया है। और अब मेरी खिचड़ी बनके तैयार है। बाय।